थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ा संक्षिप्त में लेज़र सर्जरी के बारे में बताया। ये बात तो मैंने भी नोटिस की, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। वैसे तो आप हमारे दर्शकों में से भी कई दर्शक ऐसे होंगे जिनके पेशेंट या वो खुद ही ऑपरेशन डॉक्टर करण रावत जी से करवा चुके होंगे, बट फिर भी मेरे 3 पेशेंटों का डॉक्टर करण रावत जी ने, एक रिश्तेदार थे और 2 ऐसे मिलने जुलने वाले थे, उनका यही पाइल्स का ऑपरेशन किया था लेज़र विधि द्वारा। जी सर, मैं आपको बता दूं, मतलब ये वीडियो की बात नहीं है, वैसे ही बताना चाहूँगा कि बहुत अर्ली उनका, बहुत जल्दी वो घर जा पाए। पेन में भी काफ़ी उनका वो था, क्या बोलते हैं, ऐसा कोई ख़ास पेन वेन की भी कोई उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, जो मेरी उनसे बात हुई है ना। उनमें से एक मेरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने पहले भी कहीं पर 1.5 साल पहले या पता नहीं कितने समय पहले कहीं और भी सर्जरी करवाई थी पाइल्स की। रिकरेंट होते हैं, मैंने सुना है ये पाइल्स। उन्हें आयुष्मान भारत वाले जो हैं उनको उतनी परेशानी नहीं आती होगी, पर जो कैश वाले जो मरीज़ हैं, जो कैश से करवाते हैं, एक अंदाज़न अगर आप बता सकें कि कितने उसमें सर्जरी होती है लेज़र की, है ना, पाइल्स की, तो अगर आप बता सकते हैं, सर, अगर आप ना बताना चाहें तो भी कोई नहीं, ऐसी नहीं, बात सर, नहीं है। डिपेंड करता है एक तो पेशेंट में ग्रेडिंग की, कि ग्रेडिंग कितनी है उसकी, क्या पाइल्स में लेज़र सर्जरी उसके लिए बेस्ट रहेगी या नहीं, कोई और होती है तो भी हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं जो एक पाइल्स फिशर फिस्टुला पाइलोनाइडल साइनस के पेशेंट को चाहिए होती है, चाहे लेज़र हो, वाफ्ट हो, लॉफ्ट हो, लिफ्ट हो, DLPL हो, या फिर आपका स्टेपलर टेक्निक भी हो। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कॉस्ट जो आती है वो 40,000 से 60,000 लगभग आती है Grade 3 सर्जरीज की, और उसके अलावा 50,000 से 90,000 तक आती है Grade 4 पाइल्स की सर्जरीज के। तो ये है एक अनुमानित, क्योंकि पाइल बहुत सारे ये चीज़ होती है कि लोग कहते नहीं सर ये तो बहुत सस्ते में हो रही है कहीं, तो आप ये समझिएगा कि क्या वो सच में लेज़र उपयोग कर रहे हैं या कुछ और उपयोग कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो लेज़र की विधि प्रॉपरली इतने रेट्स की देखा जाए तो आजकल जो दर्शक हैं या आजकल जो लोग हैं आईफोन में 1.5-1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से एक 50,000-60,000 रुपए अपने खुद के शरीर पे लगाना कोई मेरे हिसाब से ख़राब काम नहीं है। जी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर करण साहब, ये जो लेज़र जो सर्जरी होती है, आपने बताया है कि अलग अलग विधि द्वारा हो सकती है, हर पेशेंट को लेज़र की सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को ज़रूरत होती है जिनमें हम बेटर आउटकम लेज़र से एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हीं में ज़रूरत होती है, हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, तो उसका भी चयन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा ये क्वेश्चन है, लेज़र पाइल्स सर्जरी के बाद भी क्या रिकरेंस हो सकता है पाइल्स का? सर जी, ये भी क्वेश्चन बहुत है और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मली पूछा जाता है कि सर दोबारा तो नहीं होंगे। सर देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि जो हमारे 3, 7, 11 बजे वाले जो मुख्य पाइल्स होते हैं प्राइमरी, अगर हम करते हैं तो वो दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हाँ, सेकेंडरी हेमरॉइड जो अलग अलग स्थानों पर पैदा हो सकते हैं, अगर दोबारा कब्ज रही और आपने खान पान अच्छा नहीं रखा तो दोबारा हो सकते हैं। फिशर के बारे में ज़रूर कहूँगा कि फिशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कब्ज से बिल्कुल प्रॉपरली रिलेटेड है सर, घाव बनना एनल कैनाल की लाइनिंग में, तो अगर आपने कॉन्स्टिपेशन का ध्यान नहीं रखा तो फिशर तो ज़रूर होना है। पाइल्स की चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो लंबे समय के बाद ही उत्पन्न होता है। धन्यवाद डॉक्टर करण रावत जी, आप हैं वरिष्ठ सर्जन सेफ सर्जरी सेंटर पे, आगरा हार्ट सेंटर में कार्यरत, आप हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट सेफ सर्जरी सेंटर के, आप हैं स्पेशलिस्ट गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स और हर्निया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पाइल्स फिशर फिस्टुला इन एनो पाइलोनाइडल साइनस के, आप लेज़र के भी एक्सपर्ट हैं और आप लैप्रोस्कोपी में भी आपने पारंगत हासिल की हुई है, काफ़ी पेशेंटों को आपने लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा भी, ओपन सर्जरी भी आप करते हैं जिनको भी ज़रूरत पड़ती है, जो भी बेटर आउटकम बेसिकली पेशेंट के लिए रहता है आप उसी विधि द्वारा पेशेंट का इलाज करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।